कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करें अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। गाइस मेरा नाम है मनोज राणा और मैं IHM शिमला में लेक्चरर हूँ। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले मैं 3 साल होटल में था। तो गाइस मैं अपने 10 साल के टीचिंग करियर में मैंने एक बात देखी है कि बच्चे जब होटल मैनेजमेंट करने आते हैं दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, है ना। उनसे पूछो दे वांट टू बिकम शेफ, दे वांट टू बिकम GM। लेकिन जैसे वो थर्ड ईयर में आते हैं उनकी प्लेसमेंट शुरू होती हैं गाइस, तो वो वहाँ पे जो है उनको जॉब ही नहीं मिलती है। बहुत से बच्चे इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, बहुत से बच्चे ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो जाते हैं और वो एग्ज़ाम वो उस प्लेसमेंट को क्रैक ही नहीं कर पाते हैं। गाइस अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, है ना, और अगर आपको होटल में जॉब करनी है तो होटल में एंट्री के दो ही लेवल होते हैं। एक होता है MT लेवल जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी, और दूसरा होता है आपका एंट्री लेवल। अगर आप MT लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो गाइज आपको एक मैनेजमेंट की पोस्ट मिलती है, है ना। आपकी 1.5 या 2 साल पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको डायरेक्ट एक मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की या सुपरवाइज़र की पोस्ट मिलती है। लेकिन अगर आप MT लेवल नहीं करते हो, आप एंट्री लेवल पे होटल पे जाते हो, सबसे लोएस्ट पोस्ट पे होटल में एंटर करते हो, तो आपको उस पोस्ट तक, उस मैनेजर की पोस्ट तक पहुँचने के लिए 5-6 साल लग जाते हैं, है ना। दैट इज़ द डिफरेंस। अगर आप MT क्वालिफाई कर लेते हो तो आप डायरेक्ट एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पे जा सकते हो। आज का जो गाइज वीडियो होने वाला है आपने देख लिया होगा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ट्रेनी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। गाइज आई टीच मेनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो मैं उनको फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्लास से ही बोल देता हूँ कि अगर आपको MT लेवल मैनेजमेंट ट्रेनी क्रैक करना है तो गाइज आपको बहुत स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं। आप सोचें कि मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा या मैं आफ्टर कंप्लीटिंग सेकंड ईयर तब मैं MT की प्रिपरेशन करूंगा और मैं MT को क्रैक कर लूंगा, ऐसा गाइज नहीं होता है। आपको बहुत स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, अब MT लेवल होता क्या है? MT लेवल मींस मैनेजमेंट ट्रेनी। आप जब थर्ड ईयर में होंगे तो जो बड़े बड़े होटल्स ब्रांड्स हैं, ताज हो गया, आपको ओबरॉयज़ है, ITC है, हायत है, जितने भी ब्रांड्स हैं वो आपके कॉलेज में आते हैं आपको हायर करने के लिए। तो वो दो पोस्ट के लिए बेसिकली हायर कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी एंड एंट्री लेवल, है ना। मैनेजमेंट ट्रेनी गाइज जो है, मैनेजमेंट ट्रेनी क्रैक करने के लिए गाइज आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपकी जो कमांड ओवर लैंग्वेज है और हाउ यू कैरी योरसेल्फ, है ना, ये सब चीज़ें, प्लस नॉलेज और आप एक्स्ट्रोवर्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण ही आपको MT लेवल क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। राणा एजुकेशन ने कोर्स लॉन्च किया है MT प्रिपरेशन लेवल। गाइज ये कोर्स की वैलिडिटी होने वाली है 3 ईयर्स। दिस कोर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो अभी जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, और जो 2026 में पास आउट होंगे। 3 साल इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है और 3 साल में आपको राणा एजुकेशन बताने वाला है कि आप इस कोर्स की प्रिपरेशन, इस कोर्स में रह के आप कैसे अपने आप को MT लेवल के लिए प्रिपेयर करोगे। ओके, MT लेवल क्रैक करने के बाद गाइज आपकी एक असिस्टेंट मैनेजर की आपको जॉब मिल जाती है, आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है, आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है बहुत सारे वेज में। मैं आपको बताता हूँ, आपकी अच्छी सैलरी हो जाएगी, आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे होटल में और आपको जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आप शुरुआत ही एक मैनेजमेंट पोस्ट से करने वाले हो, तो आप GM, एग्जीक्यूटिव शेफ तक, GM तक भी जा सकते हो, है ना। MT क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन, है ना, आपका नॉलेज, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू विल क्रैक GD, द लिसनिंग स्किल्स, द मैनेजमेंट स्किल्स, एवरीथिंग। मतलब ये डिग्री ऐसी नहीं है कि आपने 3 साल बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिखा एंड यू स्कोर 90%। 90% तो यहाँ मैटर करती ही नहीं है। इस डिग्री में क्या मैटर करता है? आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आपका नॉलेज कैसा है, ना, हाउ यू कैरी, कितने अच्छे स्मार्ट वर्कर आप हैं। अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं ओनली तभी आप MT लेवल क्रैक कर सकते हो। अभी आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मेनली। अभी आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, आपने अपना लेवल देख ही लिया होगा, आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, प्लेसमेंट चली होगी, एंड यू नो योरसेल्फ बेटर देन मी। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका नॉलेज कैसा है और आपकी
पर्सनैलिटी कैसी है। तो आप सोचोगे आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है ना। आपको एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने ऊपर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। सो राणा एजुकेशन ने जो कोर्स लॉन्च किया है वो आपके 3 एस्पेक्ट्स पे काम करने वाला है। नंबर 1, आपकी कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है ना। 3 साल आप इस कोर्स में बने रहेंगे, हमारे बहुत सारे बैचेस चलने वाले हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, हमारे जो प्रोफेशनल हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, प्लस ग्रामर। बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि अभी जब एग्ज़ाम दिया तो वो कुछ बच्चे तो लिख भी नहीं पा रहे थे, दे वर नॉट एबल टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। तो आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है और आपकी इंग्लिश का लेवल क्या होना चाहिए। हमारे कोर्स में आपको ग्रामर से लेके स्पोकन इंग्लिश तक सब कुछ बताया जाएगा एज पर द नीड ऑफ होटल इंडस्ट्री। होटल में कैसी लैंग्वेज चाहिए, होटल में कैसी कम्युनिकेशन कमांड चाहिए आपकी इंग्लिश पे, वो आपको सब यहाँ पे बताया जाएगा। क्लासेस हमारी यहाँ पे होने वाली हैं। तो पहले एस्पेक्ट पे हम काम करने वाले हैं, स्पोकन इंग्लिश। सेकंड होगा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको गाइस बताया जाएगा कि आप अपने आप को कैसे कैरी करेंगे, आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, आपका सूट सारे जो आप पहनेंगे इंटरव्यू के लिए वो कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू एटिकेट्स क्या होते हैं, आप जीडी में कैसे परफॉर्म करेंगे, आप जीडी में कैसे बिहेव करेंगे, सारी बातें है ना आपको बताई जाएंगी। एंड थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे राणा एजुकेशन काम करने वाला है वो है आपका नॉलेज, है ना। क्योंकि ये सभी कुछ चाहिए, आपकी सिर्फ इंग्लिश अच्छी है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तब भी आप MT क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो थर्ड एस्पेक्ट रहेगा आपका नॉलेज, और नॉलेज में आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, वो भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में। मैं अभी आपको एक फॉर्म दिखाऊंगा, लास्ट मंथ IHM शिमला में ताज का MT का इंटरव्यू हुआ था, ताज का MT का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पे। तो गाइज ये रहा वो पेपर, आप देख सकते हैं, होटल डेवलपमेंट प्रोग्राम कल्नरी असेसमेंट, ऑल राइट। तो आप देखें यहाँ पे, यहाँ लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द GD राउंड। तो मतलब इससे पहले GD राउंड हो चुका था, उसके बाद जो बच्चे जिन्होंने GD क्रैक कर लिया था उनका उसके बाद जो है वो नॉलेज टेस्ट होने के लिए एग्ज़ाम लिया गया था, है ना। 60 क्वेश्चंस थे इसमें और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, मतलब 45 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ आपको यहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना। पहले आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करोगे, देन आप देखें न्यूट्रिएंट्स वाला क्वेश्चन है, आपका फूड साइंस से क्वेश्चन है, देन आपका सेल्स एंड मार्केटिंग F&B मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। देन आप देख सकते हैं फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे पूछी हुई है, किचन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके। एंड मेन आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं गाइज, उन सभी से यहाँ पे बहुत ही अब मैं कह सकता हूँ डीप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्योंकि MT के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे करके जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऐसे ही आपको मेरे कोर्स में 4 के 4 जो मेन सब्जेक्ट हैं, प्लस उनके अलावा फूड साइंस, आपका कम्युनिकेशन, है ना, जो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी आपको सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, ताकि आप मेरे कोर्स में स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ नॉलेज को भी इंक्रीज कर पाओ। ऑलराइट, ऐसे करके आपके जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, आप MT या तो किचन के लिए जाओगे या हाउसकीपिंग के लिए जाओगे, फ्रंट ऑफिस के लिए जाओगे, या फिर आप F&B सर्विस के लिए जाओगे, इन 4 सब्जेक्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके MT के एग्ज़ाम के लिए, वो सारे कवर करके वो ऑलरेडी मेरे पास मॉक टेस्ट हैं जो इस कोर्स में डाले हुए हैं, है ना। तो मैंने कहा 3 एस्पेक्ट्स पे काम होने वाला है, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज, है ना। ये तीनों हम 3 साल लगातार इसमें कोर्स चलेगा, और ये कोर्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, जो सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए भी बेस्ट है, है ना। थर्ड ईयर के लिए मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी 6th सेमेस्टर में है, लेकिन जो 5th सेमेस्टर में आने वाले हैं जुलाई अगस्त में, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए इस कोर्स की 3-3 वैलिडिटी हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए 3 ईयर्स की वैलिडिटी है, जो सेकंड ईयर में है उनके लिए 2 ईयर्स की वैलिडिटी है, और जो थर्ड ईयर में है उनके लिए 1 ईयर की वैलिडिटी है, विद डिफरेंट प्राइजेस।
तो गाइज ये कोर्स आपको मिलने वाला है मेरी ऐप राणा एजुकेशन पे। इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है उसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे स्टोर में और स्टोर में आप सर्च करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स, है ना। वहाँ पे गाइज आपके सामने एक कोर्स खुलेगा, आप देख सकते हैं कंप्लीट कोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। ये इन तीनों चीज़ों पे हमारे काम होने वाला है, ये इसके डिस्क्रिप्शन है गाइज। मैं आपको बता दूँ हमारी मंडे से फ्राइडे क्लासेस चलेंगी और 8th of January को हम एक कोर्स शुरू करने वाले हैं। यस 8th of January आपकी वेकेशन जैसे ही ख़त्म हो जाएंगी आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा। इवनिंग में 6 to 7 क्योंकि क्लासेस शाम को होंगी, 6 to 7 आप जब कॉलेज से फ्री हो जाएंगे, 6 to 7 मंडे से फ्राइडे। मैं आपको बता दूँ मंडे से ट्यूसडे दो दिन हमारा काम होगा स्पोकन इंग्लिश पे मेनली, दो दिन हमारा काम होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, है ना, आपकी ग्रुप डिस्कशन पे, और फ्राइडे को आपको मिला करेगा मॉक टेस्ट जहाँ पे आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। तो मैंने कहा था 3 aspects, आपका स्पोकन इंग्लिश, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आपका नॉलेज, तीनों पे काम चलेगा। मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी और 3 साल तक वैलिडिटी इसमें रहने वाली है। अब देखो इसके बाद आपके IT होनी है, IT में कैसे इंटरव्यू देना है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, है ना। उसके बाद हमारे जितने भी मगर शिमला की ही बात करूँ, जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं अलग अलग होटल्स के, वो GD कैसे करवाते हैं, उनका इंटरव्यू कैसा होता है, वो सारे शॉर्ट क्लिप्स आपको यहाँ मिला करेंगे। नंबर 3, जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MT क्वालिफाई किया था उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके व्यूज़ कैसे हैं, इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है, उनके व्यूज़, उनके इंटरव्यूज़ आपको यहाँ पर मिला करेंगे। एक सेशन मैं लिया करूँगा और बाकी हमारे एक्सपर्ट्स होंगे जो जहाँ पे आपकी क्लासेस चलेंगी, है ना। ओके, तो ये इसका कंटेंट है। आप इसे कंटेंट खोलेंगे तो इंग्लिश रिकॉर्डेड वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी हैं जहाँ पे आपके इंग्लिश के सारे टॉपिक्स, आपका ग्रामर, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सारे क्या होते हैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाए हुए हैं, है ना। उसके बाद गाइज आपको मैं बताता हूँ लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये कोर्स हमने नवंबर में भी शुरू किया था, है ना, आपके एग्ज़ाम से पहले, तो वहाँ बहुत सारी क्लासेस हमारी हुई थी, वहाँ पे जितनी भी क्लासेस आपकी हुई हैं वो आपको सारी यहाँ पे इस फोल्डर में जाके वो गाइस आपको मिल जाएंगी, है ना। रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये लाइव क्लास रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं वो सारी आपको गाइस यहाँ पे दिख जाएंगी। देखो आप क्लासेस की ड्यूरेशन देखो, 59 मिनट, 51 मिनट, 59 मिनट्स, तो एक एक घंटे की क्लास होती है। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा मेन है इसमें, कि आपका नॉलेज कैसे बिल्ड होगा, क्योंकि मैंने कहा स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आपका MT प्रिपरेशन मॉक टेस्ट। तो आपको पता है आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, देन आपका F&B सर्विस एंड आपका फूड प्रोडक्शन विद बेकरी। इन चारों के आपको दिखा देता हूँ, जैसे फूड प्रोडक्शन विद बेकरी है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ से गाइस आपका नॉलेज बिल्ड होने वाला है, नॉलेज भी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश भी चाहिए एंड पर्सनैलिटी भी चाहिए, तीनों एस्पेक्ट पे काम होने वाला है, है ना। तो ये हमारा कंटेंट है गाइस। नाउ मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो वैलिडिटी है, है ना, आप देख सकते हैं कोर्स ड्यूरेशन टाइप। ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये कोर्स जो है वो तीनों ईयर्स के बच्चों के लिए आइडियल है, लेकिन सबसे जो आइडियल है वो है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वो उन्होंने अपनी स्टडी को शुरू किया है, तो अपने IHM अपनी डिग्री के साथ साथ वो इसको भी शुरू कर सकते हैं, है ना। उनके लिए कोर्स पढ़ने वाला है 9999 का, 3 ईयर्स की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए कोर्स पढ़ने वाला है 5999 का, और जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं उनके लिए कोर्स पढ़ने वाला है 2999 का। आप देख सकते हैं ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को ज्वाइन कर रखा है एंड 8th of January को हम इसमें क्लासेज को शुरू करने वाले हैं, है ना। गाइस इस ऐप को आप अपने लैपटॉप पे भी खोल सकते हैं, इस ऐप को आप अपने फ़ोन पे खोल सकते हैं, इस ऐप को आप अपने किसी भी डिवाइस पे खोल सकते हैं, और जितने भी इसमें रिकॉर्डेड स्टफ है उसको आप कितने बार भी देखो उसमें कोई लिमिट नहीं है, है ना। आप उसको 1000 बार देखो उसमें कोई लिमिट यहाँ पे नहीं लगाई हुई है। ओके, तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये कोर्स अच्छा लगा है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ईयर में, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप 3 ईयर्स वाला चूज़ करेंगे, अगर आप सेकंड में हैं तो आप सेकंड वाला चूज़ करेंगे, तो वो प्राइस आपको वहाँ पे शो होगा। जो भी ईयर आप, जो भी वैलिडिटी आप चूज़ करेंगे
वो उसका प्राइस आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे पेमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस खुल जाएंगे। आप गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, वट एवर, जिससे भी आप पे करना चाहते हैं पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आप जो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स एनरोल्ड, यहाँ पे आप एनरोल हो जाएंगे। इसमें जितना भी कंटेंट है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा एंड 8th of January से हम इसमें लाइव क्लास शुरू करेंगे, है ना। तो वहाँ पे आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करें प्लीज़, शेयर करें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर कलीग्स एट अदर IHMs, है ना। अगर आपको लगता है कि आपको होटल में जॉब करनी है, आपने होटल में जॉब करने के लिए ही ये कोर्स किया है और आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपकी कम्युनिकेशन वैसी नहीं है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट राणा एजुकेशन एंड ज्वाइन दिस कोर्स। डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल ऑन 8th of January। बाय। वन लास्ट थिंग, हैप्पी न्यू ईयर। We'll be right back.